स्वास्थ्य सेवाओं के साथ डॉक्टर कर रहे हैं मानव सेवा, जरूरतमंदों को बांट रहे हैं भोजन के पैकेट, तो वहीं आपस में सहयोग करके समाज सेवा करने का काम किया जा रहा है। सोनोग्राफी सेंटर में बन रहा है खाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डॉक्टर दीप साहू, शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि डॉक्टरों के रूप में जो चिकित्सीय सेवाएं उन्हें दी जा रही थी, ऐसे में जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। डॉक्टर प्रीतम सैं, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन वर्मा के अलावा अन्य डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद है और जरूरतमंदों तक जरूरी सामान पहुंचाने की कवायद की जा रही है। इस कार्य में देखा जाए तो प्राइवेट डॉक्टरों में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीतम सैं और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप कुमार साहू, सर्जन डॉक्टर मनोज अग्रवाल के अलावा अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। हम लोगों ने जो खाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया है जरूरी, तो हम लोग यहाँ पूरा प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से डिस्टेंस जो है एक मीटर, और जो भी खाना बना रहे हैं वो प्रॉपर ग्लोव्स पहन के और मास्क वगैरह लगा के, और यहाँ कोई सोशल गैदरिंग ज़्यादा नहीं होने दे रहा है, किसी को नहीं आने दे रहा है, और जो सर्व कर रहे हैं, जो जा रहे हैं जो बांटने के लिए, उनको भी ग्लोव्स पहनने का बोला है और मास्क लगा के प्रॉपर जाने के लिए बोला हुआ है। डॉक्टर के स्वरूप में जो भी चिकित्सीय सेवा दे सकते वो तो हम दे ही रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कर्फ्यू की जैसी स्थिति उत्पन्न होने की वजह से भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से ऐसा तय किया गया कि उन लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को हम कुछ खाने का साधन प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने पहल शुरू की। महेश ने सबसे पहले इस पहल को शुरुआत किया, फिर प्रीतम ने देखा, फिर मुझे बुलाया गया, और सब लोग एक संगठित होकर हम लोगों ने इस पहल को शुरुआत की है। हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जो किसी कारणवश खाना है, राशन की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, उन तक हम खाने को प्रोवाइड कर सके, इसी के लिए पहल चालू की गई है। मैंने अभी सोशल मीडिया पर साहू सर का देखा वीडियो कि यहाँ पे प्रीतम सिंह सर के यहाँ पे ये व्यवस्था चल रही है खाना पैक कराने की। जो लोग भी बाहर से पैदल बैतूल ज़िले की सीमाओं से गुजर रहे हैं, बैतूल से होते हुए परेशान हैं, अस्पताल में पुलिस कर्मी हमारे भाई लोग जो सेवा दे रहे हैं ऐसे समय में, तो मैंने सर से बात करी तो सर बोले हाँ यहाँ काम चालू है खाना पैकिंग का, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैंने कहा ठीक है, पूछा, फिर आलू प्याज वगैरह पहुँचाया मैंने भी, तो ऐसे कठिन समय में जो भी हो सके मदद करना चाहिए सभी लोगों को।